अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं K4U न्यूज़। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो मेघवन पंचायत के नागरिक हैं, सम्मानित जनता है। तो हम बात करना चाहेंगे उनसे पंचायती राज इलेक्शन के बारे में और मुखिया जी का जो अधिकार क्षेत्र होता है, उनका जो कार्यविधि होता है या जिला पार्षद का होता है या MLA का, ओवरऑल मैं तमाम लोगों के बारे में बात करूंगा और ख़ास करके इस मेघवन पंचायत के बारे में भी बात करूंगा कि यहाँ क्या क्या कमी है और क्या क्या विकास हुआ है, और इसी तरह से मैं इंडिया लेवल पर भी बात करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ अंत तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसीलिए आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारे साथ इकबाल जी हैं, सबसे पहले आपका K4U न्यूज़ चैनल में स्वागत हो। धन्यवाद आपका और आपकी पूरी K4U न्यूज़ टीम का। मुझे आपने अपने स्टूडियो में मौका दिया बोलने का। चलते हैं इकबाल जी आगे की ओर और कुछ सवाल करते हैं हम आपसे। सबसे पहले मेरा जो सवाल होगा वो ये होगा कि जो 2001 से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लड़ते हैं मुखिया का या जिला पार्षद का, पंचायती राज की जो स्थापना हुई वो कैसे हुई और उनको कितने हिस्सों में बांटा गया, वो चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, और उसी तरह से मैं इस पंचायत के मुद्दे पर भी बात करूँगा आपसे। देखिए, बिहार में जो पंचायती राज चला, ये कई लेयर में इसमें संशोधन किया गया। 1993 में जो संशोधन हुआ, संशोधन एक्ट 73 और 74 में, तो बहुत सारे संशोधन किए गए। और अभी जो हमारे यहाँ जो पंचायती चुनाव होता है वो तीन लेयर में होता है, पंचायत, ब्लॉक और अनुमंडल स्तरीय चुनाव होता है। पंचायती राज की जब से स्थापना हुई और बेनीपट्टी पश्चिमी क्षेत्र में जो भी पंचायत आते हैं उसका जो विकास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी निचले स्तर में आता है, खास करके मेघवन पंचायत का जो स्तर है इन 3300 पंचायत में वो काफ़ी निचले स्तर पर आता है। इसकी वजह क्या है और इनका डेवलपमेंट आखिर क्यों नहीं हो पाया, जबकि सारे पंचायत के लिए योजना सिमिलर आते हैं? जो आप पश्चिमी क्षेत्र में डेवलपमेंट की कमी की बात कर रहे हैं, ये बहुत हद तक सही भी कह रहे हैं। अब जो है कुछ डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा एडुकेटेड गांव जो भी है वो पश्चिमी क्षेत्र में ही आते हैं। एक दो गांव होंगे जो दूसरे साइड में होंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट गांव जो है पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। काम नहीं होने की वजह है यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं जिनको चुना गया, वो लोग इस पे काम नहीं किए, हमेशा लोगों को बरगलाए, धोखा दिए, झूठ बोले, बस अपनी रोटी सेकते रहे, अपना घर बनाए, अपना मकान बनाए, बाहर ज़मीन खरीदा। और इसका जीता जागता सबूत है, आज अगर आप सारे कैंडिडेट का अगर एफिडेविट चेक कर लेंगे तो जो नए कैंडिडेट है और जो पुराने कैंडिडेट है दोनों के एफिडेविट से जो है आपको पता चल जाएगा किसने कितना पैसा बनाया है। तो एक तो रही यह बात कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब पहले की बात है तो ये जो है पहले बहुत सारी योजनाएं नहीं आती थी, अब जो है इतनी योजना आने लगी है ना 2020 के बाद से, लेकिन काम नहीं है। वहाँ करप्शन जो है 90% करप्शन है, 10% वर्क होता है, और इसमें जनता भी जिम्मेदार है। जनता पार्टी खोजती है, जनता जो है खानदान के नाम पे जाती है, जात के नाम पे जाती है, मोहल्ले के नाम पे जाती है, ग्राम के नाम पे जाती है, तो जनता भी इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो जनता से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पार्टी ना बने, मालिक बने, आप मालिक हैं। वहीं दूसरी तरफ अवेयरनेस लाने के लिए क्या किया जा सकता है समाज में, जो आज जनता डाइवर्ट हो रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग कैडर वोट बन जाते हैं लोगों के या अलग अलग पार्टी का झंडा उठा लेते हैं, फ्लैग उठा लेते हैं, इनकी क्या वजह है? अवेयरनेस कैसे बिल्ड किया जा सकता है उनके अंदर? अवेयरनेस बिल्ड की बात कर रहे हैं आप, जागरूक की बात कर रहे हैं, तो अब जो है जनता सब जानती है, जनता अब जागरूक हो चुकी है। आपने इससे पहले के चुनाव में और अभी के चुनाव में एक चीज़ नोटिस किया होगा जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस बार वोटर जो है वो पार्टी नहीं बने, पॉलिटिशियन जो है जो प्रतिनिधि है वो तो पार्टी हैं, वोटर पार्टी नहीं बने हैं।
ये हमारे पंचायत के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं कि अभी तक जो सीन है उसमें हमारी जनता जो है पार्टी नहीं बनी है, और ऐसे ही रहे तो आगे जो है बेहतर होगा। सारे लोग मिलजुल के आपस में बैठ के बात करेंगे, काम करेंगे, प्रतिनिधि से काम खोजेंगे। अगर जनता ही पार्टी बन जाएगी तो फिर कौन प्रतिनिधि से काम कौन ढूंढेगा? तो आप मालिक हैं, मालिक बने, आप अपने नौकर से काम ढूंढें। आपने देखा होगा कुछ साल पहले, एक साल पहले ही ले लें आप, कि जब MLA का या MP का इलेक्शन चल रहा था तो उसमें क्या हुआ था कि यूथ की जो स्ट्रैटेजी थी या यूथ की जो सोच थी वो दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, भावना जी को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो बेनीपट्टी पश्चिमी क्षेत्र के जो भी नेता हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं या विपक्ष हैं वो राजेश जी को सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह से अलग अलग लोग अलग अलग उस सपोर्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की तो कमी हुई यहाँ पे, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। क्यों हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग? यहाँ के यूथ हैं उन्होंने जो भावना जी को सपोर्ट किया उसके पीछे एक रीजन था, और जो यहाँ के ओल्ड एज पॉलिटिशियन हैं उन्होंने यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन को इसलिए सपोर्ट किया कि उनको आगे अपनी रोटी सेकनी है। अगर बेनीपट्टी जाएंगे तो उनके साथ कोई बैठ के चाय पीने वाला हो, तो इसलिए उन लोगों ने अपना लोकल पॉलिटिशियन ढूंढा, और जो यूथ थे उन्होंने जो है वर्क को ढूंढा, विकास को ढूंढा। तो विकास को ढूंढा और उसका जीता जागता सबूत था, आपने देखा होगा कि मेघवन पंचायत से जो है भावना झा लीड की। तो अगर यंग एज में अगर ये अवेयरनेस नहीं होता तो शायद हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो इस बार जो है फिर वोट को बर्बाद कर देते। खैर, भावना झा नहीं जीती, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगी, जीतेंगी। और बिहार में एकलौती ऐसी लीडर थी भावना जी, जो अपना वर्क जो कार्ड लेके घूम रही थी पूरे क्षेत्र में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि क्यों जनता उनको वोट नहीं दी। अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। ऐसे कैंडिडेट को आगे आनी चाहिए, लानी चाहिए, जितानी चाहिए। जी इकबाल जी, जब बात चल ही रही है मेघवन पंचायत के मामले से, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेघवन पंचायत का जो आज दुर्दशा है वो लोगों के सामने है। आखिर ये दुर्दशा ऐसी क्यों बनी, और कौन सा काम ऐसा है जो मेघवन पंचायत में अब तक नहीं हुआ, उसे होना चाहिए था? मेघवन पंचायत में आज तक प्रतिनिधि के द्वारा कोई भी अच्छा काम नहीं किया गया है, एक भी अच्छा काम नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो वो आधा अधूरा हुआ है, कोई काम कंप्लीट नहीं है। अब देख लें, जो सड़क है SH-52 को जोड़ती है, नजरा से मलकाना होते हुए ये SH-52 को जोड़ती है, उसमें दो तीन ऐसे पुल हैं जिस पे अगर आप गाड़ी पास करेंगे तो आपको उतरना पड़ेगा। आप बैठ के कभी पास ही नहीं कर सकते, वहाँ से बैठ के पास करेंगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद असलम चौक से जो सड़क मेघवन ऐसे बाईपास होते हुए SH-52 को जोड़ती है, वो भी सड़क जो है उसका 50% काम हुआ है, 50% बाकी है ना। उसमें भी दो दो अलग अलग तीन तीन कॉन्ट्रैक्टर आए, सब कोई अलग काम किए, कोई अलग काम किए। उसकी कई बार योजना के जो है पैसा उठ गया, एक बार 94 लाख रुपए का था वो पैसा उठ गया, उसका काम नहीं हुआ। उससे भी पहले हुआ था, यहाँ जो ठेकेदार आया था उसको मार दिया गया। तो ये सारी वजह थी। अब गुलरिया टोल जाएंगे, गुलरिया टोल में है सड़क नहीं बनी हुई है, तो कोई काम तो हुआ ही नहीं है। स्ट्रीट लाइट का मामला है, स्ट्रीट लाइट लगाए तो जो हमारे वर्तमान मुखिया है जहाँ से लीड किए वहीं लगाए। आप 10 नंबर वार्ड में अगर घूमेंगे एक भी LED लाइट आपको नहीं लगेगा। हमारे 10 नंबर की जनता इतनी समझदार है या अकलमंद है या दिलेर कह सकते हैं, तो आप 10 नंबर में लगभग ऐसे घर मिल जाएंगे जो अपने घर के बाहर लाइट जलाते तो इसलिए थोड़ा रोशनी रहती है, नहीं तो एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। ऐसा मतलब ये सौतेला व्यवहार क्यों?
मुखिया जी से मेरा ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर मुखिया जी की बात करें तो मुखिया जी ने तो बहुत सारा काम करवाया है, चाहे वो सड़क निर्माण हो या नाला निर्माण हो या स्ट्रीट लाइट हो, तो वो भी तो आप देखें। नहीं, मैंने कहा ना, कहाँ कोई काम किया है मुखिया जी ने। स्ट्रीट लाइट का है, आप बता दीजिए 10 नंबर में एक भी कहीं पे लगा हो। 6400 रुपये का उसका ईसी बना, अब बता दीजिए 6400 रुपये की वो लाइट है का। 6400 रुपये का गवर्नमेंट का है, ये क्वेश्चन कौन करेगा? हम पब्लिक हैं, हम वोटर हैं, हम आम जनता हैं, हमें तो करेंगे, हमारे टैक्स का पैसा है वो, हम उसका नाजायज खर्च क्यों होने दें? 6400 रुपये की तो लाइट है नहीं, रही पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा बहुत सारे काम किया, आधा काम कर देने से काम बहुत सारा नहीं हो जाता है, काम कंप्लीट करेंगे फिर वो काम हुआ, आधा करने से काम थोड़ी ना होता है, आप उसे कंप्लीट करें। नाली की बात कहा आपने, नाली बनाया ठीक है, कहाँ पे नाली, नाली बना दिया तो उसका जल निकासी कहाँ है, ये सारी चीज़ हैं। तो आधा काम नहीं, काम पूरा होने के बाद ही बोला जाता है कंप्लीट हुआ, अन्यथा वो काम नहीं है कुछ। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ, वहाँ भी विकास हुआ। आज पहले स्कूल जो है वो संकुल था, आज वो हाई स्कूल बन चुका है, तो ये भी एक डेवलपमेंट हुआ, पंचायत का विकास हुआ। स्कूल में मुखिया जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, स्कूल हाई स्कूल हुआ वो मुख्यमंत्री के कोष से हुआ, और उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, एक रूल रेगुलेशन बना हुआ है कि 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में एक हाई स्कूल होगा, जिसमें मतलब 11th 12th सारी चीज़ें हैं, वहाँ इंटर आप अपने ग्राम स्तर के ही स्कूल से कर सकते हैं। तो उसमें नजरा को भी मिला, नजरा संकुल है, ये 1962-63 के आसपास नजरा मिडिल स्कूल की स्थापना हुई थी, और नजरा के अधीन आज जो 20 स्कूल चल रहा है ये संकुल है। तो रही काम की बात, और आप बोल रहे डेवलपमेंट, तो आप जाके देख लीजिए जो नजरा मिडिल स्कूल है वो छोटी छोटी मोटी एक समुंदर या तालाब कह सकते हो, उसमें बच्चे को प्रॉपर कोई खेलने के लिए कुछ नहीं है। स्कूल में कंप्यूटर लैब बना, अब जाके देख लीजिए, मुझे जितना आइडिया है टीचर जो है टीचर को कंप्यूटर ऑन ऑफ नहीं करने आता है ना ही। तो उसमें गवर्नमेंट की भी बहुत उदासीनता रही, गवर्नमेंट ने यहाँ कंप्यूटर टीचर नहीं दिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई काम नहीं हुआ स्कूल का। आप देखेंगे जाके दशा और दिशा दोनों बिगड़ चुका है, कोई काम नहीं हुआ, निका काम नहीं हुआ। तो भाई दूसरी ओर अभी जो योजना आ रही है जो नीतीश जी दे रहे हैं बच्चों को, छात्रवृत्ति के नाम पर, पोशाक के नाम पर, या खाने पीने के नाम पर, भोजन के नाम पर, तो वो भी तो एक चीज़ है कि वो मिल रहा है। और प्रधान अध्यापक का कहना था कि करीब 70% बच्चों को मतलब छात्रवृत्ति का अमाउंट मिल रहा है, सब चीज़ उनको पोशाक का पैसा मिल रहा है। नजरा मिडिल स्कूल में आई थिंक 1600-1700 बच्चा है टोटल, नजरा मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का मिला के 1600-1700 बच्चे में से 25% से ज़्यादा बच्चे का, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 25% से ज़्यादा बच्चे को आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। और अगर कोई बोलता है इसके बारे में तो गलत है, और वो भी पिछले 4 साल से जो स्कॉलरशिप नहीं मिला है, इसके जवाब दे हमारे प्रधान अध्यापक, हमारे स्कूल के कोऑर्डिनेटर, सचिव, मुखिया, बीओ, डीओ और शिक्षा मंत्री, इन सबको इस पे जो है आके काम करनी चाहिए, ईमानदारी दिखाइए। अगर आज आप बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, जब हमारे गुरु ही चोर रहेंगे तो बच्चा तो चोर बनेंगे ही, तो एक अच्छा समाज देने के लिए अच्छी चीज़ आनी चाहिए, तो टीचर कम से कम चोरी चमारी ना करे बेहतर होता। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट जो भी हैं, सब शिक्षा अभियान के तहत 39 योजना है। इतने योजना का अगर स्कूल में इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए तो वो काफ़ी होगा स्कूल के विकास के लिए।
39 तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं कह रहा हूँ 5 ऐसी योजना पे काम कर दिया जाए स्कूल के लिए, जो बहुत हो गया और ईमानदारी से होनी चाहिए। 5 ऐसी योजना है और पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए और काम हो उस पे, तो देखिए स्कूल की दशा दिशा दोनों बदल जाएगा। स्कूल में आज कंप्यूटर लैब बन गया, लेकिन कंप्यूटर का टीचर नहीं है, उस पे काम होनी चाहिए। स्कूल में ग्राउंड नहीं है। आज हमारा देश इतना पीछे स्पोर्ट में, पिछले साल का बजट था स्पोर्ट का, ओलंपिक के लिए जो तैयारी कराया जा रहा था प्लेयर को, 3,000 करोड़ रुपए का बजट था। 0.01% जो है हमारा जीडीपी का जाता है स्पोर्ट पे खर्च होता है, और 3,000 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद हमारे देश में जो मेडल आया है वो 7 मेडल आया है। एक गोल्ड मेडल है और बाकी ब्रॉन्ज मेडल है या सिल्वर है, जो भी हो, टोटल 7 मेडल आया है। तो हम शुरुआत से ही नहीं कुछ सीखेंगे और जब बड़े हो जाएंगे तो क्या सीखेंगे। तो स्पोर्ट्स पे खर्च होनी चाहिए, स्पोर्ट्स का बल्कि पूरा फंडिंग होता है, और हमेशा जो है वो पैसा खा लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसका यूज नहीं होता है। वो आपस में सारे लोग मिल के डिवाइड करते पैसा और खा जाते हैं। अब जाके देख ले स्कूल में, ना तो आपको बैट मिलेगा, ना बॉल मिलेगा, ना कैरम मिलेगा, ना आपको बास्केटबॉल का बास्केट मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। सारी चीज़ के लिए अलग अलग से पैसा आती है, तो ऐसी है। उसके बाद स्पोर्ट हो गया, पोषण अभियान के तहत जो है गवर्नमेंट का बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे गुरु ही चोर होंगे तो बच्चा तो चोर बनेंगे ही। तो गुरु जी से आग्रह है, निवेदन है कि आप ईमानदार बनेंगे तभी आपके बच्चे ईमानदार बनेंगे। अभी 30 नवंबर को मतदान होने वाला है मेघवन पंचायत का। ऐसे में जनता के सामने मल्टीपल ऑप्शन है, 13 कैंडिडेट हैं मुखिया में, अलग अलग पदों पे अलग अलग कैंडिडेट खड़े हैं। तो जनता को जो अपना मत का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत कीमती मत होता है उनका, तो उनको किस तरह से मतदान करना चाहिए, क्या उनके माइंड में होना चाहिए, क्या सोच कर वो ईवीएम का बटन उनको दबाना चाहिए? ईवीएम का बटन दबाने से पहले आपको अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देखनी चाहिए कि वर्तमान में क्या था, भविष्य में क्या होने वाला है और क्या हो चुका है ना, ये सारे चीज़ों का ख्याल रखना है, और उसके बाद ही मतदान करें। मतदान करने का है, अब देखें कि जो हमारी अपनी सोच है, अब देखें कौन से कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखे। बैकग्राउंड देखे, कैंडिडेट कितना पढ़ा हुआ है, कैंडिडेट का पति कितना पढ़ा हुआ है, उसके अंदर एबिलिटी क्या है, उससे पहले क्या उसका सामाजिक कार्य में क्या उनका योगदान रहा है, इन सारी चीज़ों को देख के फिर उनका ये है सामाजिक स्तर पे उनका लोगों से बिहेव कैसा रहा, अखलाक कैसा रहा, तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा, उसके बाद ही आप मतदान करें। बाकी मेघवन की जो जनता है काफ़ी समझदार, अकलमंद और बुद्धिजीवी लोग हैं मेघवन में, क्योंकि मेघवन का एक छोटा सा गांव है नजरा, और ये हमेशा रहता है नजरा। बाकी नजरा को अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में जानते हैं लोग, और नजरा से बड़े अच्छे अच्छे बहुत काबिल लोग निकले हैं। तो इन लोगों को भी आगे आनी चाहिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताएं कि आप किसको मतदान करें, और जो थोड़ा है लोग समझ तो उनको बताया जाए कि आप ऐसा करें ये बेहतर होगा। हमारे यहाँ आज भी जो है ना, लोग मोह माया में बहुत डूबे हुए हैं, तो मोह माया से बाहर निकल के एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना पड़ेगा। अवेयरनेस की कमी है, गांव की जो जनता होती है बड़ी भोली भाली होती है, ये लोग किसी पे भी जल्दी यकीन कर लेते हैं और डरते बहुत हैं, तो डरे नहीं। और सच बात है, बंद टेबल के अंदर से आप पैसा नहीं दे किसी को, शौचालय उचालय बेकार की योजना है ना, इस पे मुझे कोई ये नहीं है। बाकी लोगों को है 12,000 रुपया मिल रहा है, कुछ लोग इसको धंधा बनाए। अब देख लीजिए, मैं ऐसा बहुत सारा घर जानता हूँ, आए तो मैं इंक्वायरी में अगर कोई गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी आते हैं तो मैं मदद करूँगा उनकी, और मैं बताऊँगा कि
कि यहाँ यहाँ डबल से मिला हुआ है, एक आदमी को एक ही आधार कार्ड पे डबल कैसे पैसा मिल सकता है। ये बोल रहे हैं कि हमारा जो UID की आधार है और ये बड़ा हाईटेक है, तो हमारे मंत्री जी का ही UID की आधार लिंक को जो हैक कर लिया गया और उनको बताया गया। तो एक ही यूजर आईडी पे पासवर्ड पे ना जाने कितने लोग कितनी बार पैसा उठाए हैं। ये तो हो गया शौचालय का बात हो गया, बाकी कितनी बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंस जो है ना वो शिक्षा पे काम करे तो बेहतर होगा। विकास की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था। मोदी जी जैसे सत्ता में आए, PM आवास दिया जा रहा है, अब लोगों को जियो टैग हो रहा है, तो बहुत सारा विकास तो वो कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी के ज़माने से नहीं चल रहा है, ये बहुत पुरानी योजना है और बहुत पहले से चल रहा है। तो ये मोदी जी के कोई इसमें देन नहीं है कि मोदी जी के आने की वजह से प्रधानमंत्री योजना आया है ना, ये बहुत पहले से चल रहा है, इसमें मोदी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस उन्होंने किया नाम उसका बदल दिया, बाकी उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। करीब सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट का मिलाकर 204 योजना है, अगर उस पर प्रतिनिधि काम करे तो कितना हद तक विकास कर सकते हैं। और दूसरी वजह ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब इतना सारा योजना जब गवर्नमेंट देता है तो आखिर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, लोकल प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया जी होते हैं, वो क्यों नहीं उसको पंचायत में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वजह है? हमारे मुखिया जी को तो योजना ही नहीं पता है कितनी योजना होती है। रही इम्प्लीमेंट की बात, तो जो 204 योजना है, अगर इसमें से 10% योजना पे भी ईमानदारी से हमारे प्रतिनिधि काम करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि लोग ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। गांव में ही घूमना बेहतर लगेगा उनको और अच्छा लगेगा, यहीं घूमेंगे, और जो बाहर रहते हैं वो लोग गांव ज़रूर घूमने आएंगे। तो हमारे यहाँ जो योजना है ना उसका 10% को ईमानदारी से गांव में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सात निश्चय की योजना से तो बहुत सारा काम हुआ है, जो पंचायत का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। सात निश्चय योजना में कोई भी एक अच्छा काम नहीं हुआ है अभी। नल जल वाली योजना वैसी चली गई, आर्थिक हल युवाओं का बल, उसका कोई काम ही नहीं रह गया है ना। आरक्षित रोजगार, इसका इस पे कितना काम हुआ ये आपको पता होगा। हर घर बिजली लगातार कितनी देर बिजली रहती है ये भी आपको पता होगा। हर घर बल का जल, ये कितना काम होता है ये भी आपको पता होगा है ना। अफसर बढ़े आगे बढ़े कितना काम हुआ है, सब पे आप देखेंगे कुछ नहीं काम हुआ है। नल जल, आप देखिए ना, नल जल की योजना आई, उसके चक्कर में जो है जो भी रोड थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी तोड़ दिया गया हमारे ठेकेदार के द्वारा। ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि हमारा काम पूरा होते ही हम रोड को ढाल देंगे, वो तो ढाले नहीं। अब रोड की हालत और बद से बदतर होती जा रही है। हमारे गाँव में कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं और वो अच्छा काम किए तो थोड़ा बहुत अपना जेब से जो है पैसा लगा के और कहीं कहीं पे ठीक करवाए, बाकी जो है वही चल रहा है। सात निश्चय पे कुछ काम ही नहीं हुआ। मुखिया जी का जो कहना है कि इन 204 योजना का है, ये तो बस कागज़ में है या ऊपर से बोला जा रहा है, इतना योजना तो मिलता ही नहीं है, तो हम कैसे काम करेंगे? हमारे पास तो 2 ही से 3 योजना है, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, सात निश्चय या शौचालय की, यही सब योजना के बारे में कह रहे हैं। मुखिया जी को पता नहीं है तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। योजना तो बहुत सारी है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के अंदर 14 से 18 योजना आती है, उसमें बहुत सारी स्कीमें सब अलग अलग टाइप की है। स्वास्थ्य की हो गई, शिक्षा की है, शिक्षा पे 39 योजना है गवर्नमेंट की, बाल किशोर न्याय परिक्षेत्र की है बहुत सारी योजना है, महिला सशक्तिकरण की योजना है, उसके बाद स्वच्छता एवं जल पूर्ति की योजना है, कृषि पशु मत्स्य पालन की योजना है, सड़क सेतु की योजना है, खाद्य सुरक्षा पेंशन की योजना है, महादलित के लिए योजना है, कितनी योजना बताओ, बहुत सारी योजना है। और इन सारी योजनाओं के अंदर फिर बहुत सारे लेयर होते हैं, उसमें बहुत सारी योजना है।
तो मुखिया जी को पता नहीं है, तो इसमें मुखिया जी की गलती है, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। मुखिया जी का काम है, मुखिया जी पढ़े स्टडी करे तब फिर आगे बढ़ेंगे ना पंचायत हमारा। मुखिया जी हमारे नहीं पढ़ेंगे तो पंचायत कहाँ से आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी जो मतदान हो रहा है तो वो तो एजुकेशन देख के नहीं ना किया जा रहा है, क्योंकि अभी बात करें देश की प्रधानमंत्री की भी तो वो भी अंडर ग्रेजुएट हैं, या वैसे और भी नेता की मैं बात करूं तो उनका भी वही मामला है, तो पढ़ना तो लाजिम नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, यहाँ बात अगर एजुकेशन की होगी तो हमारे जो HRD मिनिस्टर है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, वो उन्होंने BCom किया हुआ है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि एक BCom किया हुआ आदमी किसी PhD वाले का इंटरव्यू ले और उनको जो है उनसे क्वेश्चन करे, ये करे, चलिए इंटरव्यू ले अच्छी बात है, लेकिन ये सही नहीं है। आप कि उच्च स्तर के एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर का जो एजुकेशन लेवल है वो हाई होनी चाहिए, ये बड़ी बारीक चीज़ है। उसके बाद प्रधानमंत्री का तो छोड़ ही दीजिए, प्रधानमंत्री के तो आज तक ना तो कोई टीचर मिले, ना तो कोई क्लासमेट मिले, कोई नहीं मिले। हमारी स्मृति ईरानी जी है, उनका जो है हर बार इलेक्शन में जो एफिडेविट में उनका एजुकेशन का लेवल चेंज होता रहता है, तो ऐसा नहीं है। मतलब हमारे जब मंत्री ही मतलब चोर है या अनएडुकेटेड है तो मुखिया का तो छोड़ दीजिए। पंचायत की बात है तो पंचायत में इस पर जो है लोग बहुत हद तक अवेयर हुए हैं और समझ रहे हैं सही क्या है, गलत क्या है, कैसे लोगों को चुनना है, क्योंकि इससे पहले जो समाज में कुर्तियाँ रही हैं, बुराइयाँ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा रही है और लोग आपस में भाईचारा ख़त्म हो गया था। लोग 3 साल तो लग जाता था मनाने में, बातचीत करने में, है ना, ये सारी चीज़ें जो है अब ख़त्म हुई है धीरे धीरे, तो पंचायत का चलता रहता है। पंचायत में लोग अभी अवेयर हुए हैं और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह कोई मतलब यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक भी हैं, तो इस बार जो है चुनेंगे, कोई बेहतर ही कैंडिडेट को चुनेंगे। मेरी अपनी जो राय है, मतलब अपनी जो राय है मेरी, वो एडुकेटेड कैंडिडेट भी होनी चाहिए, एडुकेटेड वाइफ भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो सीट है वो रिजर्व सीट है लेडी के लिए, तो हमारी जो मुखिया होंगी वो तो लेडी होंगी, उनको पढ़ा होनी चाहिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो लोग इस बात का ख्याल रखेंगे आगे, और हमें लगता है कि जो चुन के लाएंगे बेहतर ही चुन के लाएंगे। लेकिन अभी लगातार आप देखते आ रहे हैं या हर सीटों पे आप देखें तो लोग जो हैं मतलब एजुकेशन को कम प्रायोरिटी देते हैं, वो तो शिक्षा के आधार पे अपना मतदान नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो जनता के हक में है ना, जनता जिसे चाहे सरकार सत्ता में ला दें और जिसे चाहे सत्ता से हटा दें, तो फिर जनता ऐसा क्यों करता है? जनता को तो ऑलरेडी उनके बारे में पता होता है, तो वो मतलब अपने रिश्तेदारी के अकॉर्डिंग या अपने मोहब्बत के एतबार से या उनका जिस तरह का फ़ायदा हो उस हिसाब से वो उनको वोट करते हैं, फिर ऐसा क्यों? वही तो, जनता अगर एजुकेशन को मुद्दा ना बनाए, हेल्थ को मुद्दा ना बनाए, रोड को मुद्दा ना बनाए, हाउसिंग को मुद्दा ना बनाए, और बहुत सारी चीज़ें जॉब्स हैं, जॉब्स को मुद्दा ना बनाए, तो किस चीज़ को मुद्दा बनाएंगे? इस बार लोगों में ये सारी चीज़ें आई हैं, उन लोगों को पता चला है, तो अब ढूंढ रहे कि भाई तुम हमें जॉब दो, हमने तुम्हें वोट दिया है, मुखिया के अंदर बहुत सारी जॉबें हैं, ये तो नहीं है कि 100% लोग को जॉब लगा देंगे, लेकिन 5% लोग को ज़रूर लगा सकते हैं। पंचायत से लेके ब्लॉक तक में हर तरह की जॉब आती है, संविदा है, इस पे रखवा दीजिए आप, किसी भी चीज़ पे रखवा दीजिए। क्या होता है ग्रामीण लेवल में जो लोग होते हैं, गांव में जो रहते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाती है कि क्या स्कीम आ रही है जॉब की, क्या है, कहाँ क्या करना है, तो सबों के लिए गांव के लोगों को भी, जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी आगे आना होगा, और जो प्रतिनिधि हैं उनको भी आगे आना होगा, इन सब लोगों को मिल के और इस पे काम करना है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है, मोदी जी आए हैं जब से तो और हालत दयनीय हो गई है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मेघवन पंचायत के अग्रुक जनता, एक बात हसन जी, आपने सुना इनकी जुबानी कि कितने सारे योजना आते हैं पंचायत को और कितने सारे पे काम किया जा सकता है, कितने सारी योजना हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और करीब 204 योजना है, अगर आपको अगर इसके बारे में और डीपली जानना है तो प्लीज़ आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये खबरें, हमारी ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि काफ़ी लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन जा सके।